शार्दुल ठाकुर को साउथ अफ्रीका टूर के लिए इंडिया स्क्वाड में सिलेक्ट किया गया है। इंडिया की सीनियर टीम का साउथ अफ्रीका टूर 17 दिसंबर से शुरू हो रहा है और इसी को देखते हुए शार्दुल ठाकुर को इंडिया स्क्वाड में सिलेक्ट किया गया है ताकि उन्हें गेम टाइम मिल सके। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका दौरे में इंडिया को 3 टेस्ट के साथ साथ 3 ODI और 4 T20 खेलने हैं। गौतम गंभीर का कहना है कि अजिंक्य रहाणे बहुत ही भाग्यशाली हैं जो अभी तक टेस्ट टीम में खेल रहे हैं। उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स के एक प्रोग्राम में कहा है कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के पहले टेस्ट में वो केएल राहुल और मयंक अग्रवाल से पारी के ओपनिंग करवाएंगे। 24 नवंबर से भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप शुरू होगी जिसमें 16 टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन 16 टीमों को 4 पूल में बांटा गया है और हर पूल में से 2 टॉप टीम्स क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करेंगी। इंडिया का पहला मैच फ्रांस के खिलाफ है और इसका लाइव टेलीकास्ट रात को 8 बजे दिखाया जाएगा। आप लोग इस वर्ल्ड कप के मैचेस स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे देख पाएंगे। इंडिया की महिला फुटबॉल टीम 22 नवंबर को ब्राज़ील पहुंची, जहां वो ब्राज़ील, चिले और वेनेजुएला की वुमेन टीम से फ्रेंडली मैचेस खेलेंगी। ये मैचेस नवंबर 24, 28 और दिसंबर 1 को खेला जाएगा। AFC वुमेन्स एशियन कप से पहले ये भारतीय वुमेन्स टीम के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। हम उम्मीद करेंगे कि हमारी टीम 1 या 2 टीम्स को धूल चटा कर आए। आपको बता दें कि AFC वुमेन्स एशियन कप 20 जनवरी 2022 से शुरू होगी जिसका होस्ट इंडिया है। इसके मैचेस मुंबई और पुणे में होस्ट करी जाएंगी। कानपुर में होने वाले पहले टेस्ट से केएल राहुल को रूल आउट कर दिया गया है। केएल राहुल के दाएं जांघ में मसल स्टेन हुई है जिसके वजह से वो मैच नहीं खेल पाएंगे। राहुल के इंजरी के बाद सूर्य कुमार यादव या फिर श्रेयस अय्यर को टीम में खेलने का चांस है।